अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काजिम और हमें पाकिस्तानी ड्रामों को सपोर्ट करना चाहिए. हमारे ड्रामों को देखिएगा ड्रामा सेंट्रल पे. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन. क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल. दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया. हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया. सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली. उम्र भर फिर दूरियां, तू मिला था, तू मिला था. घड़ी दो अपने जुर्म को गलती का नाम मत दे. आफरीन, मेरा यकीन करो, मैं अब की बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ. मॉर्निंग फेम. बीबी जी, बड़े साहब जी रोज नाश्ता आफरीन बीबी के कमरे में करते हैं. उरी, कितनी गंदी स्मेल है. कौन सा परफ्यूम है ये? ब्रांडेड है. कौन सा ब्रांड है ये? नेक्स्ट टाइम जब ट्रेवल करूंगी ना तो तुम्हारे लिए खुद से परफ्यूम्स लूंगी. तुम प्लीज मुझे याद करवा देना और ये मत लगाओ. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं है, माजी की एक बात याद आ गई. तो इसका मतलब आपका माजी इतना अच्छा था? मेरा हाल सबसे ज्यादा खूबसूरत है. पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया. हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया. रखो जाना प्लीज. घड़ी दो मैम, मुझे हाफ डे ऑफ चाहिए आज. क्यों? क्योंकि आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी. मेरे हस्बैंड मुझे लंच पर ले जाने के लिए आ रहे हैं. मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ बिजी थी, इस वजह से लेट हो गई. वो पहुंचने ही वाले होंगे तो मैं वो हर साल लेकर जाते हैं. जी, हर साल. एक्चुअली उन्हें इस तरह से सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है. हर साल खाने पर जाते हो? जी, हर साल. हाँ ठीक है, बता दो उन्हें. ओके.
अच्छा मैं बाद में कॉल करूँ। ये क्या है? हमारी एनिवर्सरी है ना आज। तुम जानते हो मुझे ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तुम डिनर पे जा नहीं रही थी तो मैंने इसलिए। तो तुमने ये चीप हल निकाल लिया, राइट? इसमें चीप क्या है? Really, please, what's wrong with you? मैं नहीं हूँ इस शादी से खुश। फिर ये सब करने का क्या मकसद है? कभी क्रूज बुक करवाते हो, कभी फ्लावर्स लेके मेरे सामने खड़े हो जाते हो। मतलब व्हाट इज दिस? अच्छा लाओ। अच्छा तो फिर मैं जाऊं? हाँ जाओ। थैंक यू। सुनो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। क्या हुआ? मुझे नहीं आ रहा। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मैं बताता हूँ। ये कांटा इस हाथ में, छुरी इस हाथ में, ये देखो इसको ऐसे, और मुझे बहुत सारी गैदरिंग के इनविटेशन आते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर जगह तुम मेरे साथ जाओ, इसलिए इस तरह के खानों की ना आदत डाल लेते हैं। मगर कोई देख लेगा तो अजीब लग रहा है। हमारे आसपास तुम यहाँ कुछ नहीं बैठो, तुम बेफिक्र होकर खाना खाओ। मैं कोशिश करती हूँ। मिसेस औरंगजेब, वो इस वक्त कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उस वक्त आइएगा। मिसेस औरंगजेब।
खूबसूरत लग रही हो। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं ना कि लोग इस लॉकेट को देख के तुमसे क्या सवाल करेंगे? सवाल तो करेंगे लोग, मगर मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ तो है कम से कम। बताएं, मैं हमेशा इन छोटी छोटी खुशियों की तलाश में था। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। औरंगजेब, उस दिन के बाद आपने आंटी से बात की? अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं फिर। सुने, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? देखो आफरीन, फिलहाल तुम्हारे सवाल का मेरे पास सिर्फ यही जवाब है कि मैं नहीं नाराज हूं उनसे। मगर वो आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। आफरीन प्लीज। देखिए, मैं खुद को मुजरिम समझती हूँ। उन्होंने मेरी और अम्मा की कितनी मदद की थी, हमें इज्जत दी उन्होंने, ये छत दी, और दर बदर ठोकरे खाने से हमने उनको बचा लिया। अम्मा के जाने के बाद वो मेरी माँ बन गई थी। मैं अपने आप को मुजरिम समझती हूँ। क्यों, तुम कैसे मुजरिम हो गई? आखिर तुमने जुर्म क्या किया? तुम कौन सा उनकी कोई चीज लेके भागी हो? औरंगजेब, इस वक्त मेरे पास उनकी सबसे कीमती चीज है, आप। पहले मैं भी इसी खुशगुमानी में था कि शायद उनकी नजर में मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे अपने मोल का अंदाजा हो गया। वो एक माँ है और माँ की मोहब्बत बहुत मजबूर होती है। वो अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती, और उन्होंने भी जो किया वो कुछ गलत नहीं था। हर माँ अपनी औलाद के लिए वही करना चाहती। अगर आपकी भी माँ होती ना तो वो भी आपके लिए इसी तरह फाइट करती। तो वो तो हिबा आप ही की माँ है, उन्होंने अपनी हिबा के लिए हर मुमकिन कोशिश की है फाइट करने की। अल्लाह ताला की मोहब्बत तभी तो माँ की मोहब्बत से कंपेयर की गई है। 70 माओं की मोहब्बत से कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को इस्तेमाल कर रहा है इस दुनिया, या फिर खुद इस्तेमाल हो रहा है किसी से। मगर आप तो खुश नसीब हुए ना कि आप किसी माँ के हाथों इस्तेमाल हो। बहुत खूबसूरत हो आफरीन, दिल से भी और शक्ल से भी। तो फिर आप मेरे लिए काम करें, प्लीज आंटी को कॉल कर लें। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं और उनसे, मगर मैं जब भी आंटी के बारे में सोचती हूँ तो दिल पर एक अजीब सा बोझ सा महसूस होता है। अच्छा ठीक है, मैं फोन कर लेता हूँ अभी। तो आप ही आप फेस करती हो, इस तरह वापस क्यों आई हैं आप? हाँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी मुझे ऐसे मौके पे लाके खड़ा करे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सबके सामने बहुत इंसल्ट महसूस हुई है, दिल चाह रहा था सबकी नजरों से इधर उधर चली जाए। सब मुझे तंजिया हकारत की नजरों से देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं लोगों को देखा करती थी। इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी मैं खुद भी इस जगह पे हो सकती। आप भी ऐसी कोई बात नहीं,
आप सिर्फ इस छोटी सी सिचुएशन को लेकर कॉन्शियस हो रही हैं, वरना लोग क्या शादियां नहीं करते दूसरी? और प्लीज आप ऐसा मत सोचें कि आपके इंसल्ट हो गई है, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं। करते होंगे, लेकिन इस बार हिबा आलम शराजी के शोहर ने की है। आज तक मेरे मुकाबले कोई खड़ा नहीं हुआ, और अब वो लड़की मेरे मुकाबले खड़ी हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था वो उसे पार्टी में इस तरह से सबके सामने लेकर आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना बुरा लगा है मुझे, कितनी बेइज्जती फील की है। मुझसे वहां पे एक सेकंड के लिए नहीं रुका जा रहा था, इसीलिए वहां से चली आई। कम ऑन आपी, क्या हो रहा है आपको? ऐसी कोई बात नहीं, और मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाय द वे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रही है मेरी बात को? आप अपने जहन में बिठा लें इस बात को, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है बाजिर, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने सारी जिंदगी लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात की है, अब उन्हीं लोगों से नजरें चुराती फिर रही हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी बेइज्जती फील कर रही हूं अपनी, और ये सब कुछ बारिश की वजह से हो रहा है। ना वो दोबारा मेरी जिंदगी में आता और ना कोई प्रॉब्लम होती। मेरी जिंदगी में जब वो नहीं था ना, तो एटलीस्ट सुकून था, लाइफ ठीक थी मेरी। अब तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में मेरी। और ही जैसा शख्स मुझे छोड़ के चला गया, उसके पीछे भागना पड़ रहा है मुझे। समझ में नहीं आ रहा था, काश वो दोबारा आता ही ना, और अगर आया ही था तो एटलीस्ट मुझसे ना मिलता। मैं कैसे ये सब फेस करूं? बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है मेरी, मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, नहीं अच्छा लग रहा। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी, हिबा आलम शराजी की बेइज्जती। तुमने कभी सोचा था इससे? ओह हाय मिसेस औरंगजेब, वो इस वक्त कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उस वक्त आइए। ओह मिसेस औरंगजेब, अब आई समझ मुझे कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, क्योंकि और ही भाई तुम्हें ऑलरेडी इंप्रेस कर चुके थे। उनकी इज्जत करती थी मैं, और अब मैंने उनके बारे में जाना कि वो अपनी इज्जत करवाने के साथ साथ दूसरों की भी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हें पैसा बहुत देंगे और तुम्हें खुश रखेंगे, क्योंकि चलते फिरते क्रेडिट कार्ड हैं वो। तुम शायद भूल रहे हो बाजी कि तुमसे भी मैं वो गिफ्ट्स नहीं लिया करती जो तुम अपने उन गर्लफ्रेंड्स को देने के आगे। मैं बहुत लूज कैरेक्टर था ना तुम्हारी नजर में, है ना? तुम खुद क्या हो, देखो अपने आप को आईने में, तुम्हें समझ आएगी। एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाकर तुम्हें शर्म नहीं आई? बस, अब मजीद एक लफ्ज नहीं बोलोगे। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था उनसे, बल्कि तुम्हारी बहन, वो शादी करना चाहती थी अपने उस पुराने आशिक से। तुम्हारा ही बहन हुई आया था मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर, और तुम्हारी बहन के करतूत की वजह से उनकी शर्म और लिहाज सब खत्म हो चुका था। बस स्टॉप इट, अपनी ये झूठी कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। झूठी कहानियां? ठीक है फिर सुनो आज हकीकत। फाजिल, तुम थे वो पहले मर्द जिसने मेरे दिल की सरजमीन पर अपने नाम का झंडा गाड़ा था।
तुमसे नफरत क्या करती? इतना अरसा तुम्हें भुला ही ना सकी। निकाहनामे पे साइन करते वक्त मेरी नजरों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। औरंगजेब का नहीं, तुम मुझे क्या देते? तुमने तो मेरे सर से आसमान और पैरों तले जमीन भी छीन ली। तुम अपने बीवी को कुछ नहीं दे सके तो मुझे क्या देते? तुम्हारा अपना कशकोल खाली है तो मेरी झोली क्या पड़ती? तुम किसी को कुछ भी देने के लायक नहीं हो बस। देखो आफरीन, मैं वापस आ चुका हूं तुम्हारे पास, तुम भी आ जाओ। भूल जाएंगे हम ये सब। बस करो अपनी बकवास बाजी, प्लीज दफा हो जाओ यहां से। ये आखिरी बार सुन रही हूं, आज के बाद ये वर्ड्स तुमने कभी नहीं दोहराने। मत भूलो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं। हर औरत तुम्हारी बहन की तरह नहीं कि जिससे ना घर संभालता और ना ही घर वाला। जस्ट शट अप बाजी। सुनो तो तुम्हें मुझसे पूछे बगैर यहां पे आना नहीं चाहिए था। अगर आ भी गए हो तो मेरी बीवी से इस तरह तुम्हें बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी दी तो आप माफी मांगो इससे। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि चलान चलान। साहब को चाय पानी पूछो और उसके बाद इन्हें बाइज्जत घर से रुखसत कर देना। चलो आफरीन। ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? बिहेव योरसेल्फ हबा। वी आर आइडियल कपल। वी वर। नो, हम अभी भी कपल हैं। हेबा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी और औरंगजेब की सेपरेशन हो गया। अच्छा, रियली? कब? सिर्फ सेपरेशन ही नहीं बल्कि औरंगजेब ने दूसरी शादी भी कर ली। In fact, last party में उस बंदी के साथ आया था। She was looking quite nervous. लग रहा था जैसे first time किसी gathering में आई हो। But she was pretty enough. हाँ, हमारी mate की बेटी है। What? पहले उसने बाजल को impress करने की कोशिश की। जब वो हाथ नहीं आया तो औरंगजेब के पीछे पड़ गई। तुम लोग तो जानते ही हो, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। Really? तुम्हारी मेट की बेटी और तुम्हारे होते हुए औरंगजेब ने शादी भी कर ली? I'm surprised. औरंगजेब इस तरह का तो नहीं था। In fact, तुम्हें याद होगा समिया औरंगजेब के पीछे किस तरह आगे पीछे घुमा कर दी थी। But he was only yours. एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें मेरी गलती है? No. Of course not. मुझे तो बस हैरत हो रही है कि औरंगजेब तुम्हारे होते हुए तुम्हें कैसे इग्नोर कर सके। या कहीं वो वारिस वाला मामला? Just shut up. ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? Behave yourself, हबा। ये कौन सा तरीका है रिएक्ट करने का? Excuse me? You need to behave yourself. किसी की पर्सनल लाइफ को इस तरह डिस्कस करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये तुम मुझसे कह रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि मुझे याद करवाने से पहले अपने मंगेतर के बारे में सोचो, जो हर तीसरे दिन एक नई मॉडल के साथ घूमता है। ऐसा ना हो कल तुम्हें भी मेरी तरह रिएक्ट करना पड़े। एक्सक्यूज मी। इसलिए
इसके इसी एटीट्यूड की वजह से औरंगजेब ने डिसीजन लिया होगा, वरना वो तो बहुत कूल बनता। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया, हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने। आज आप जॉगिंग के लिए नहीं जाएंगे? मामा उसने मजाक बना के रख दिया है। आप जरा जाकर उसका फेसबुक अकाउंट तो देखिए, देखिए लोगों ने क्या क्या लिखा है। प्लीज आप उसे रोकिए। रिलैक्स हिबा, वो तुम्हारी जिंदगी में मदाखलत नहीं कर रहा, वो अपनी लाइफ में जो चाहे कर सकता है। शायद तुम भूल रही हो हिबा, जब तुम वारिस के साथ घूमा करती थी, उसके साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करती थी, वो भी ऐसे ही अंगारों पर लौटता था, ऐसी ही तकलीफ से गुजरता था, ऐसे ही लोग उसे मजाक का निशाना बनाते थे। मैंने खुद देखा है उसे ऐसी ही तकलीफ से गुजरते हुए। आपका प्रॉब्लम क्या है मामा? हर बार आप उसी की साइड लेती हैं, उसी की हिमायत करती हैं। अब आप क्या ये चाहती हैं कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जो उसके साथ हुआ है? हे बापी रिलैक्स, क्या हो रहा है आपको? हाँ, इस तरह से आप मजीद मौका दे रही हैं तमाशा बनाने का। क्या रिलैक्स करूं मैं? कैसे होता है रिलैक्स करना, बताएंगे आप मुझे? बाजल, हर कोई मेरी बेइज्जती पे उतर आया है, और तो और ये बात मीडिया तक में चली गई है, लोग मेरे मुंह पे आके बोलना शुरू हो गए कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। क्या ये डिजर्व करती हूँ मैं? पहले लोग ना सिर्फ मेरे मुंह पे, मेरे पीठ पीछे भी मेरी इज्जत करते थे, अब हर तरफ तमाशा बन गया है। रोकते क्यों नहीं आप इसे? करते हैं, कुछ करते हैं। आप प्लीज इस तरह बिहेव मत करें, रिलैक्स हो जाएं। मैं संभाल लूंगा सब। कब संभाल लोगे? संभालो ना। करते हैं कुछ। सुनो, मुझे नेक्स्ट वीक ना जाना है बैंकॉक, एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए। बैंकॉक? कितने दिन के लिए? वैसे तो सिर्फ हफ्ते का प्लान था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन और रुक जाऊँ। एक हफ्ता बहुत ज्यादा नहीं है। कि तुम मुझे मिस करोगी? मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तो फिर मत जाए ना, किसी और को भेज दें। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, तो फिर ये आपने पहले से ही प्लान किया हुआ था ना? हाँ, मैंने ये सारा प्लान पहले से किया हुआ था, लेकिन सिर्फ वो दो बातें सुनना चाहता था तुमसे, इसलिए ये सब ड्रामा किया हुआ। अब शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो तुम तैयार रहना, हम शॉपिंग भी चलेंगे, सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग के लिए। पर मेरे पास तो सब कुछ है। तैयार रहना बस, मैंने कहा ना तुम्हें। तुम यहाँ कितने अरसे से काम कर रही हो? मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 सालों में तुमने एक भी दफा मुझे ऑमलेट खाते हुए देखा है?
मैडम जी मैं आपको फ्रूट देती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? काम करते हुए तुम लोगों का ध्यान किधर होता है? और ये फ्रूट्स कौन लाता है? ये तो रमजान बाबा लाते हैं। रमजान बाबा? हे बा, रमजान बाबा बात करने दे मुझे इन लोगों से। जी मैडम। फ्रूट्स आप लेकर आते हैं? जी मैडम। आप अंधे हैं क्या? आप लोगों का ध्यान कहाँ होता है? इतने खराब फ्रूट्स क्यों लाते हैं? मैडम मुझे जायके का कैसे पता चल सकता है? वो काट कर नहीं देते, किलो के हिसाब से देते हैं। आपकी जुर्रत कैसी हुई आगे से जबान लड़ाने की? एक तो पूरा पूरा महीना आप लोग काम नहीं करते, जब महीना पूरा होता है तो सर पे आके खड़े हो जाते हैं, पैसे आपको चाहिए, सैलरी चाहिए, ऊपर से काम चोरी, मालिक के साथ जबान दराजी। हे बा, क्या हो गया तुम्हें? ठीक कह रहे रमजान बाबा, इस घर में इतना ज्यादा फ्रूट आता है, अगर एक आध कोई खराब निकल आया तो कौन सी बड़ी बात है, और उसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? रशीदा जाओ यहाँ से, रमजान बाबा आप जाइए। क्या होता जा रहा तुम्हें हिमा? हिमा मामा, हालात देखे अपने ये भाभी के, साइको होती जा रही है वो, सीरियसली। उनको और ही भाई की शादी की नहीं बल्कि अपनी इंसल्ट की पड़ी हुई है। मामा कुछ करना पड़ेगा आपको, एंड आई एम श्योर वो आपकी बात कभी नहीं डालेंगी। अच्छा बस करो, नाश्ता करो तुम। जी बस थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी बस अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल आइए, हम मुलाकात रखते हैं, घर आइए बिल्कुल, आप आपसे बात कर लो। तुम्हारा मुलाजिम नहीं ऊपर आने दे रहा था मुझे, लगता है मुझे पहचानता नहीं है, पूछ रहा था कौन। उसको बताया मैंने कि मैं तुम्हारी काजिन हूँ, क्योंकि अगर उसे ये बोलती कि तुम्हारी पहली बीवी हूँ तो शायद उसे यकीन नहीं आता। काफी ग्रूम कर दिया है तुमने इसको। ऑफ कोर्स दोनों बीवियों के बीच में बराबरी भी रखनी थी मुझे। Really? तुम्हें लगता है इसका और मेरा कोई मुकाबला है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता था। Excuse me? क्या मतलब है इस बात का? तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है बा। तुम्हें क्या लगता है इसके साथ जिंदगी गुजार के तुम बहुत बड़ा तीर मार लोगे? इस लड़की का खुद का क्या स्टेटस है जो तुम्हारी कोई पहचान बनाएगी? इसके स्टेटस इसके नाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बीवी को शौहर के नाम से पहचाने जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो अभी भी लोग मेरे नाम से पहचानते हैं ना। We are ideal couple. We were. No, हम अभी भी कपल हैं। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? तुम भूल गए हो क्या? लोग हमारी मिसालें देते थे, रश करते हैं हमको, हम अभी भी एक कपल हैं। ठीक है तुमने इससे गुस्से में शादी कर ली, मानती हूँ मैं, लेकिन प्लीज इसे अब तो छोड़ दो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है इसके साथ। और ये तुम्हें लगता है तुम्हें वो इज्जत वो प्रोटोकॉल मिलेगा जो मेरे साथ मिलता था? नहीं ना, तुम्हें जरा सा भी रिग्रेट नहीं है? नहीं बा, मुझे अपने फैसले पे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूं अपने फैसले से। और जहां तक छोड़ने की बात है, मैं बात बार बार दोहरा चुका हूं, बार बार दोहराना नहीं चाहता। ये बात मत भूलो कि डिवोर्स पेपर्स मैंने इसके लिए नहीं
तुम्हारे लिए तैयार किए थे। Listen, Ori, I understand. हम लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं, differences बढ़ गए हैं, पर वो सब इस लड़की की वजह से है। तुम इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हिबा, वजह ये नहीं है, वजह तुम हो। तुम ही क्यों नहीं चली जाती? नहीं हिबा, मैं नहीं चाहता कि सब पहले जैसा हो जाए, क्योंकि पहले मैं बहुत अपसेट था और अब मैं बहुत खुश हूं। और तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो अभी तुम घर जाओ, बल्कि मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देता है, हम घर में बैठ के आराम से बात करें। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम ये सब कुछ इसकी वजह से कर रहे हो ना? ऐसी क्या चीज है इसमें जो मेरे पास नहीं है? क्या ऐसा वो करती है जो मैं नहीं कर सकती? तुम्हें एक ऐसी बीवी चाहिए ना जो तुम्हारा घर संभाले, तुम्हें देखे, घर के काम करे, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम प्लीज इसे छोड़ दो। और ये बात मैंने कहा ना, तुम प्लीज घर जाओ, हम घर में बैठ के आराम से बात करेंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे? तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ। मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून की मियाद बस इतनी ही थी। नहीं आफरीन, बहुत तवील है, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं हूं। और आप कब तक हैं? जब तक मेरी सांसें हैं। तो तुम यहां क्या करने आई हो? मुझे औरंगजेब से मिलना है। वो कल शाम यहाँ पर आए थे, उसके बाद फिर घर पे भी नहीं है। साहब का उस रात एक्सीडेंट हो गया था, बड़े साहब अस्पताल में हैं। एक्सीडेंट? पकड़ो और जितने का मर्जी चाहिए चेक भर लो इसमें, लेकिन हमारी जिंदगियों से और हमारे घर से निकल जाओ। आपने मुझसे झूठ बोला, अंदर मौत से लड़ता हुआ शख्स मेरा भी शौहर है।